नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज और मूवीज की वीडियो सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड इंडियन वेब सीरीज। दोस्तों ये हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज का वीडियो है, इसीलिए इसकी लिस्ट आईएमडीबी रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है और रेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही हर वेब सीरीज को रैंक किया गया है। वीडियो में सारी बेस्ट सीरीज इंक्लूड की है, तो रैंकिंग्स और रेटिंग्स के बारे में ज़्यादा ना सोचकर आपको ये सारी सीरीज देखनी चाहिए। इस वीडियो की लिस्ट आपको मिलेगी वीडियो के एंड में और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसे आईएमडीबी पर 8.4 रेटिंग मिली है। ये एक एक्सीलेंट सीरीज़ है जिसे ऑडियंस ने अब तक की सबसे बेस्ट इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज़ का टाइटल दे दिया है, और ये सीरीज़ इस टाइटल को डिजर्व भी करती है क्योंकि इसने एक यूनिक थ्रिलर स्टोरी व्यूअर्स के सामने रखी है। सीरीज़ में हम देखते हैं कि ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग लोकेशंस पर कुछ मर्डर्स होने लगते हैं जो सीबीआई, पुलिस और स्पेशली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को टफ सिचुएशन में डाल देते हैं। किलर बहुत स्मार्ट है, मास्टरमाइंड है, जो हर बार पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को चैलेंज करता है। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये सीरीज टॉप पोजीशन डिजर्व करती है, और मैंने पिछले कई वीडियोस में इसे टॉप पोजीशन पर रखा भी है, लेकिन ये वीडियो हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज बताने के लिए बनाया गया है, इसलिए सारी वेब सीरीज को रेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया गया है। 8.4 आईएमडीबी रेटिंग वाली तीन और वेब सीरीज भी है, ब्रेथ, अपहरण और रंगबाज। ये तीनों क्राइम थ्रिलर सीरीज भी आपको जरूर जरूर देखनी चाहिए। नंबर 9 पर है मिर्जापुर, ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसे आईएमडीबी पर 8.5 रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसका एक भी हेटर नहीं मिलेगा आपको, एक अलग ही लेवल का फैन बेस है इस सीरीज़ का। इस लिस्ट में चाहे कोई भी पोजीशन इसे मिली हो, इसकी रेटिंग जैसी भी हो, लेकिन ये अब तक की सबसे बेस्ट इंडियन सीरीज़ में से एक है और रहेगी हमेशा। साले हॉर्न गान में डाल देंगे अभी, पा, 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 हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, हम बात कर रहे हैं ना। ये सीरीज हमें यूपी के पूर्वांचल रीजन के माफियाज और क्राइम की स्टोरी दिखाती है। इस सीरीज में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे इसके कैरेक्टर्स। सीरीज में सभी कैरेक्टर्स कमाल के हैं और सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले किया है। कैरेक्टर्स के साथ ही इस सीरीज की स्टोरी भी बहुत कमाल की है। मिर्जापुर की ही तरह 8.5 आईएमडीबी रेटिंग वाली कुछ और भी वेब सीरीज हैं, दिल्ली क्राइम, ट्रिपलिंग और द आम आदमी फैमिली। ये तीनों हर्ट टचिंग सीरीज भी आपको जरूर जरूर देखनी चाहिए। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। नंबर 8 पर है दो सीरीज, द फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स। बात करें फैमिली मैन की, तो ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे आईएमडीबी पर 8.6 रेटिंग मिली है। ये सीरीज हमें लीड कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी, प्लेड बाय एक्सीलेंट एक्टर मनोज बाजपेयी की स्टोरी दिखाती है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रेट एनालिसिस सेल में सीनियर ऑफिसर है। सीरीज में श्रीकांत की फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक्सीलेंटली प्रेजेंट किया गया है। जहां प्रोफेशनल लाइफ में व्यूअर्स को एक्शन और थ्रिल देखने को मिलता है, वहीं फैमिली लाइफ कॉमेडी और ड्रामा व्यूअर्स को दिखाती है। इस सीरीज का सेकेंड सीजन अनाउंस हो चुका है और नवंबर 2019 में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीजन 2 2020 में रिलीज हो सकता है। बात करें स्पेशल ऑप्स की, तो ये एक थ्रिलर सीरीज है जिसे 8.6 रेटिंग मिली है आईएमडीबी पर। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है रॉ के एक एजेंट हिम्मत सिंह को, जो अपने सेलेक्टेड और ट्रेंड सीक्रेट एजेंट्स की हेल्प से 2001 के पार्लियामेंट अटैक से रिलेटेड एक टेररिस्ट को ढूंढता है। सीरीज में सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे के मैनन, जो हर बार सुपर परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 8.6 आईएमडीबी रेटिंग वाली दो सीरीज और भी हैं, होस्टल डेज और परमानेंट रूममेट्स। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज भी आपको जरूर जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पर है सेक्रेड गेम्स, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे आईएमडीबी पर 8.7 रेटिंग मिली है। ये अमेजिंग सीरीज हमें लीड कैरेक्टर गणेश गायतोंडे और सरताज सिंह की स्टोरी दिखाती है। गायतोंडे एक नोटोरियस क्रिमिनल है और सरताज एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी लाइफ गायतोंडे से कनेक्टेड है, और अब सरताज को इसी लाइफ कनेक्शन की मिस्ट्री को सॉल्व करना है और अपनी सिटी को टेररिस्ट अटैक से बचाना है। इस सीरीज की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग सब कुछ कमाल का है, और सबसे स्पेशल है इस सीरीज के कैरेक्टर। सीरीज का सीजन 1 तो बहुत कमाल का है, लेकिन सीजन 2 उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है। ओवरऑल देखें तो ये एक एंटरटेनिंग सीरीज है। बकामत कौन है? दिलबाग सिंह का पुराना दोस्त। पापा जी को कैसे जानता है तू? यही तो खूबसूरती है इस शहर की साहिब,
इधर कुछ भी हो सकता है। नंबर 6 पर है पंचायत। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDB पर 8.8 रेटिंग मिली है। अमेजन प्राइम ओरिजिनल इस कॉमेडी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं TVF, द वायरल फीवर जो हमेशा रियलिस्टिक और दिल को छू जाने वाली सीरीज ऑडियंस के लिए लाते हैं, तो पंचायत भी ऐसी ही एक हर्ट टचिंग सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को फॉलो करती है जो बेटर जॉब ऑप्शंस ना होने के कारण एक रिमोट विलेज पंचायत में सेक्रेटरी का जॉब ले लेता है। अब वहाँ की डिफरेंट लाइफस्टाइल और डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो कितने दिन टिक पाता है, ये आपको सीरीज देखकर पता लगाना है। ये एक अमेजिंग सीरीज है जो बिल्कुल भी फिक्शनल और अनरियल नहीं लगती है। आप इस सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर से अपने आप को ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। नंबर 5 पर है आई एम मैच्योर। ये एक टीन कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे IMDB पर 8.9 रेटिंग मिली है। ये एक स्वीट सी सिंपल सी हर्ट टचिंग स्टोरी है एक 16 ईयर ओल्ड बॉय ध्रुव की जो जल्दी से बड़ा होना चाहता है और अपने बेस्ट फ्रेंड्स की हेल्प से वो अपनी क्रश छवि को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये बहुत ही स्वीट सी मिनी सीरीज है जो आपको इतना अट्रैक्ट करेगी कि एंड में आपको लगेगा कि यार स्टोरी खत्म ही ना हो, बस आगे चलती रहे। अंडी मंडी संडी जो ना नाचे उसकी। तो 11th में है ब्रो, अब तू मैच्योर हो गया। नंबर 4 पर है कॉलेज रोमांस। ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसे IMDB पर 9 रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जिसकी कॉलेज बेस्ड स्टोरी आपको आपके कॉलेज डेज में वापस लेकर जाएगी। इस सीरीज की स्टोरी 3 फ्रेंड्स को फॉलो करती है जो कॉलेज मेट हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके अपनी अपनी लव लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं। लव लाइफ बनाना तो उतना आसान नहीं होता उनके लिए, लेकिन अपनी कॉलेज लाइफ को तो वो मेमोरेबल बना ही लेते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे इस सीरीज से। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और बोस डेड और अलाइव, इन दोनों सीरीज को भी 9 रेटिंग मिली है IMDB पर और ये दोनों ही एक्सीलेंट सीरीज हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पर है 2 सीरीज, कोटा फैक्ट्री और गुल्लक। बात करें कोटा फैक्ट्री की तो ये एक ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे IMDB पर 9.1 रेटिंग मिली है। इसे एक मास्टरपीस कहा जा सकता है क्योंकि जो रियलिस्टिक स्टोरी रियल इमोशंस के साथ इस सीरीज ने हमें दिखाई है वैसा कुछ अब तक कोई दूसरी सीरीज नहीं दिखा पाई है। इस सीरीज में हम 16 ईयर ओल्ड बॉय वैभव की स्टोरी देखते हैं जो अभी कोटा शिफ्ट हुआ है IIT एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ये सीरीज वैभव की ही तरह हर उस स्टूडेंट की स्टोरी दिखाती है जो IIT में सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल करता है। कोटा फैक्ट्री जैसी रियलिस्टिक और हर टचिंग शोज ने ही इंडियन सिनेमा को जिंदा रखा हुआ है। बात करें गुल्लक की तो ये एक कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे IMDB पर 9.1 रेटिंग मिली है। ये एक एक्सीलेंट सीरीज है जिसकी स्टोरी डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ बेस्ट है और सब ने मिलकर इसे एक अमेजिंग सीरीज बनाया है। इस सीरीज की स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली को फॉलो करती है जिसमें एक केयरिंग फादर है, एक लविंग मदर है, एक रिस्पॉन्सिबल एल्डर सन है और एक हैप्पी और चीयरफुल यंग सन भी है। ये सीरीज इन सभी कैरेक्टर्स के जरिए बहुत से फनी और इमोशनल और हर्ट टचिंग मोमेंट्स हमारे सामने रखती है और फैमिली की इम्पोर्टेंस हमें बताती है। न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी, इस घर में आएगा तो बस इंटरवर इन्वेटर। अरे इन्वेटर इन्वर्टर यार, इससे आलू डाल के पीले चावल बना दिए इनने। कैरी बोलते हैं उसे, डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं उसे। मम्मी अगर तुम्हारी चड्डी फिर से वॉशिंग मशीन में दिखी तो चीर देंगे। नंबर 2 पर है फ्लेम्स। ये एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है जिसे IMDB पर 9.2 रेटिंग मिली है। ये अब तक की सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। ये स्वीट एंड सिंपल सी वेब सीरीज बहुत से इमोशंस आपको फील करवाएगी। ये सीरीज स्टोरी है यंग रोमांस की जो केमिकल रिएक्शन की तरह अनफोल्ड होता है धीरे धीरे। स्टोरी 4 टीनेजर्स को फॉलो करती है जो धीरे धीरे अपनी लव लाइफ में कदम रखते हैं और लाइफ के एक स्वीट फेज को फील करते हैं। इस सीरीज की रियलिस्टिक स्टोरी और कैरेक्टर्स बहुत कुछ आपको फील करवाएंगे, आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। राम जी ने सीता जी से विवाह किया और रावण ने अपहरण किया और हनुमान जी ने उन्हें बचाया, तो बताओ वास्तव में हीरो कौन हुआ? अरे भाई संजय दत्त भाई, वास्तव में हीरो संजय दत्त। नंबर 1 पर है 2 सीरीज, TVF पिक्चर्स और ये मेरी फैमिली। बात करें TVF पिक्चर्स की तो ये एक एक्सीलेंट कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे IMDB पर 9.2 रेटिंग मिली है। ये TVF ओरिजिनल शो है और 2015 से लेकर अब तक भी बहुत पॉपुलर है। इस शो का एक कल्ट स्टेटस है और ये TVF के सबसे बेस्ट शोज में से एक है। ये एक मैजिकल शो है जिसकी रियलिस्टिक स्टोरी और इमोशंस दिल को छू जाते हैं। इस सीरीज की स्टोरी 4 फ्रेंड्स नवीन जीतू योगी और मंडल को फॉलो करती है जो अपनी जॉब छोड़ देते हैं खुद का स्टार्टअप करने के लिए।
ये शॉर्ट और सिंपल सी सीरीज बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ फील करवा देती है और बहुत कुछ सिखा जाती है एंड में। तू पियर है भैंचोद, पियर है। बात करें ये मेरी फैमिली की, तो ये एक फैमिली ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली है। दोस्तों ये प्यारी सी फैमिली ड्रामा सीरीज आपको आपके बचपन के दिनों में वापस लेकर जाएगी, वो दिन जब स्मार्टफोन्स, फेसबुक और व्हाट्सएप इन चीज़ों ने हमें इतना नहीं पकड़ा था और हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, जिससे प्रॉब्लम्स कम हो जाया करती थी और खुशियाँ दोगुनी हो जाती थी। आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा कर देगी ये सीरीज़। इस सीरीज़ की स्टोरी को 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड हर्षु और उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि वो लोग कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। दोस्तों सीरीज़ में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ होने से सब कुछ आसान हो जाता है और लाइफ में फैमिली से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये थी हाईएस्ट रेटेड इंडियन वेब सीरीज। अगर आप हाईएस्ट रेटेड हॉलीवुड शोज देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।